हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अलॉट पर नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं नासा के स्पेस मिशन के बारे में, जिसका नाम है डेमो 2 मिशन। ये मिशन अपने आप में इसलिए भी खास है बिकॉज नासा लगभग 9 साल के बाद पहली बार किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में लॉन्च करने जा रही है। तो इस वीडियो में जानेंगे हम इस मिशन के बारे में, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। 17 अप्रैल 2020 को नासा ने अनाउंस करा है कि नासा इस मिशन को 27 मई 2020 को लॉन्च करेगी और इस मिशन के लॉन्च होते ही ये मिशन 9 साल के बाद पहली ऐसी मिशन बन जाएगी जिसमें नासा किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेगा। नासा ने इस मिशन का ऑफिशियल नेम डिक्लेयर करा है, क्रू ड्रैगन डेमो 2। इससे पहले 2011 में नासा ने स्पेस शटल मिशन STS-135 के द्वारा एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लॉन्च करा था। नासा इस मिशन में 2 एस्ट्रोनॉट को भेजने की तैयारी कर रहा है, जिनके नाम हैं बॉब बैकन एंड डग हार्ले। साथ ही इस मिशन को जिस जगह से लॉन्च करा जाएगा उसका नाम है कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। नासा अपने एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए जो प्रोग्राम चला रहा है उसका नाम उसने रखा है कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, और इसी कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के अंतर्गत इस मिशन को लॉन्च करा जा रहा है। अगर बात करते हैं इस मिशन के बारे में, तो इस मिशन के अंदर जो रॉकेट यूज करा जाएगा उसका नाम है Falcon 9, और इस मिशन के अंतर्गत एस्ट्रोनॉट लगभग 14 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्टे करेंगे। इस स्पेस मिशन को लॉन्च करने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो दी गई है स्पेस एक्स को, और जो क्रू कैप्सूल बनाया गया है उसका डिजाइन और मैन्युफैक्चर भी करा है स्पेस एक्स ने। हालांकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य है वो नासा ही करेगी। नासा इस कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के अंतर्गत और भी मिशन भेजने की तैयारी आगे कर रहा है। जून 1982 के STS-4 के बाद ये ऐसा पहला मिशन होगा जिसमें 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजे जाएंगे। बात करते हैं डेमो मिशन के बारे में। इससे पहले डेमो मिशन 2019 में लॉन्च करा जाना था, जबकि इससे पहले डेमो 1 मिशन भी लॉन्च किया जा चुका है। 20 अप्रैल 2019 को पहला क्रू ड्रैगन डेमो 2 मिशन लॉन्च करा गया था जो कि फेल हो गया था, लेकिन उसके बाद 19 जनवरी 2020 को क्रू ड्रैगन कैप्सूल का सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया गया, और अब जाकर 27 मई 2020 को ये डिसाइड करा गया है कि अब डेमो 2 मिशन के माध्यम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हम क्रू मिशन को भेजेंगे। हालांकि इस बार जो कैप्सूल बनाया गया है उसको बनाने में इन्होंने बहुत सारे टेस्ट करे हैं। स्पेस एक्स कंपनी ने इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए, इसकी सेफ्टी को मेजर करने के लिए, या ये कहें सेफ्टी को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए लगभग इसका जो इंजन है जिसका नाम है सुपर ड्रैगन इंजन, इस पर 700 टेस्ट करे हैं, और इसके मार्क 3 पैरासूट पर लगभग 26 टेस्ट करे हैं। मार्क पैरासूट वो पैरासूट होता है जब हमारे जो एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए हैं वो वापस रिटर्न अर्थ पर आएंगे तब इस मार्क 3 पैरासूट का ही यूज करा जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।